हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले नेटफ्लिक्स के एक ऐसे कंटेंट के बारे में जो इससे पहले हमने कभी देखा नहीं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राणा नायडू वेब सीरीज के बारे में। इस वेब सीरीज में टोटल 10 एपिसोड है। हर एपिसोड की लेंथ लगभग 45 to 50 मिनट्स है। इस सीरीज को पूरा देखने के लिए आपको आपके लाइफ के 7 to 8 आवर्स देने पड़ेंगे। तो ये सीरीज ये डिजर्व करती है या नहीं, तो चलिए ये जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राणा नायडू वेब सीरीज रीमेक है अमेरिकन ड्रामा सीरीज रेन डोनोवन का। देखो, साउथ इंडियन वाले भी वेब सीरीज का रीमेक बना रहे हैं, वो मूवीज का रीमेक नहीं बनाते। ये डोनोवन ऐसी सीरीज है जिसका मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। इससे पहले मैंने वो वेब सीरीज देखी नहीं, इसलिए मैं उस वेब सीरीज को इस राणा नायडू वेब सीरीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। इन लोगों का रीमेक बनाने का स्टाइल भी अलग है भाई। ऐसी वेब सीरीज का ये लोग रीमेक बना रहे हैं जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना, नहीं तो अपने बॉलीवुड वाले ऐसे मूवी का रिमेक बनाते जो यूट्यूब पे अवेलेबल है या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। गजब बेइज्जती है। अगर हम बात करें राणा नायडू वेब सीरीज के बारे में, तो ये वेब सीरीज स्टार्ट होते पहले 5 मिनट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस सीरीज में किस लेवल का एडल्ट कंटेंट है। वो सीन देख के मैं खुद शॉक हो गया कि इन लोगों को ऐसा सीन बनाने के लिए अलाउड कैसे किया होगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अगर हम लास्ट के 2 एपिसोड्स को अगर छोड़ दे, तो आपको हर एपिसोड में न्यूडिटी इंटीमेट सीन आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। बात करें इस सीरीज की स्टार कास्ट की, तो हमें इस सीरीज में राणा दगुबती, वेंकटेश दगुबती, आशीष विद्यार्थी, सुशांत सिंह, अभिषेक बैनर्जी जैसे स्टार कास्ट इस सीरीज में हमें देखने को मिलेंगे। बात करें इस सीरीज की स्टोरी लाइन की, तो राणा नायडू को लोग फिक्सर फॉर द स्टार के नाम से जानते हैं। हेलो, बड़ा कांड हो गया है, फट रही है राणा। मींस किसी भी सेलिब्रिटी के लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो राणा साम दाम दंड भेद यूज करके उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देता है। जैसे ब्लैकमेलिंग हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, या फिर कोई मर्डर केस हो गया, तो ये सारे प्रॉब्लम को राणा अपने लेवल पे जाके सॉल्व कर ही देता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। साथ ही हमें इस सीरीज में राणा नायडू के लाइफ के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी दिखाए जाते हैं। तभी जाके इस सीरीज में एंट्री होती है राणा नायडू के फादर यानी कि नागा नायडू की। तो हमें इस सीरीज में यही देखने को मिलता है कि राणा नायडू अपने फादर से नफरत क्यों करता है, और अपने लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है और सेलिब्रिटीज के प्रॉब्लम को राणा नायडू किस तरह से सॉल्व करता है और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढता है। हम सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको देखनी होगी राणा नायडू वेब सीरीज जो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। बात करें इस सीरीज के एक्टर्स की और स्टार कास्ट की, तो इस सीरीज के जितने भी स्टार कास्ट और जितने भी एक्टर्स हैं, सबने अपना 100% इस सीरीज में दिया। लेकिन खास करके राणा दगुबती एज अ राणा नायडू एंड अभिषेक बैनर्जी एज अ जफा नायडू, इस बंदे ने एक्टिंग में अपना 100% दिया है और इतनी अच्छी एक्टिंग की है। आज तक मैंने अभिषेक बैनर्जी की बहुत सारी सीरीज देखी है, इस बंदे की इस सीरीज में जो एक्टिंग दिखाई गई ना, वो भाई कमाल की है। आपको इस सीरीज में हर कैरेक्टर का एक बोल्ड सीन जरूर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें गाली गलौज की, तो इस मूवी में भर भर के और नेक्स्ट लेवल की गालियाँ है। मोस्ट ऑफ मुझे इस सीरीज में जो गालियाँ पसंद आई, वो हैदराबादी लैंग्वेज की जो गालियाँ हैं, वो सबसे बढ़िया लगी मुझे। ये सब बातें सुन के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये सीरीज हम फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। अब बात कर लेते हैं इस सीरीज के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो बात करें हम फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की, तो इस सीरीज की जो स्टोरी वो एंगेजिंग स्टोरी है। बात करें सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की, तो इस सीरीज का जो क्लाइमेक्स है वो बहुत बढ़िया है। बात करें थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की, तो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट इस सीरीज में दिखाया गया है वो बहुत बढ़िया है, खास करके जफा नायडू का कैरेक्टर। बात करें इस सीरीज के फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट की, तो इस मूवी में हैदराबादी हिंदी लैंग्वेज का यूज किया गया है, जैसे कि क्या बात करते मियाँ, ये इस सीरीज का मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा। बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, तो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस सीरीज में जो बोल्ड और अडल्ट सीन्स है वो फोर्सफुली ऐड किए गए ही, हमें सीरीज देखते ही पता चल जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। बात करें सेकंड नेगेटिव पॉइंट की, तो इस सीरीज के कैरेक्टर्स का जो पास्ट है वो लोग इससे भी अच्छा दिखा सकते थे। बात करें थर्ड नेगेटिव पॉइंट की, तो इस सीरीज के कुछ सीन्स ऐसे जो बहुत ही बोरिंग है, वो सीन्स अगर सीरीज में नहीं होते तो स्टोरी लाइन में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता। ओवरऑल बात करें इस सीरीज की, तो इस सीरीज के जो अडल्ट सीन है वो अगर कम होते तो ये सीरीज एक अच्छी सीरीज की कैटेगरीज में जरूर आती, जैसे कि अपनी सीक्रेट गेम सीरीज हो गई, मिर्जापुर जैसी सीरीज हो गई, तो ये सीरीज भी उस कैटेगरी में बैठ सकती थी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन हेडफोन लगाना मत भूलना। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरी तरफ से इस सीरीज की रेटिंग होगी 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार।
तो ये था राणा नायडू सीरीज का रिव्यू। आप भी अपने दोस्त को कांटेक्ट करो और उसे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड लो, आप भी देखो और कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। फिलहाल के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।